Hello everyone. So we have a problem related to area under curve, and this problem is taken from ITG 2019. And so in this problem, this statement is actually defines the region of the curve, and the area of this region is defined as A alpha, right? So हमें एक पर्टिकुलर लेमडा के लिए जो कि जिसका वेरिएशन 0 से 4 के बीच में राइट सो इसके लिए कंडीशन दिया हुआ है कि ए लेमडा यानी लेमडा के वैल्यू 0 से 4 तक में उसका जो एरिया है वो ए लेमडा डिवाइडेड बाय ए 4 इक्वल्स टू 2/5 दिया हुआ है. देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा. कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप एक काम करो कि ये जो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स है ना, ये क्या है? एक पैराबोला का इक्वेशन है. तो इस समय अगर इसका ग्राफ देखा जाए तो ग्राफ सिंपल है, ये इस नेचर का होगा, क्योंकि ये नेचर कैसा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाला नेचर है ना. तो इस तरह से ये डिफाइन हो गया. सबसे पहले हमने पैराबोला को डिफाइन किया जो कि ये चीज़ है. अब जो वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एक्स है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ये किसी रीजन को बताएगा. तो अपन क्या करते हैं कि एक लाइन लेते हैं एक्स इक्वल्स टू लेमडा, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू लेमडा जिसका वेरिएशन 0 से 4 के बीच में. ओके, तो इसके बीच ये जो रीजन है वो सेडेड होगा क्योंकि लेस देन इक्वल टू है पूरा. तो ये जो कोऑर्डिनेट है वो 0 लेमडा 0 एंड दिस इज 0 0. ओके, सो ये पूरी तरह से डिफाइंड हो गया एरिया. अब सोचो कि इन्होंने क्या कहा कि ए लेमडा, राइट, ए लेमडा कैसे डिफाइंड होगा. तो ए लेमडा का मतलब हो गया कि ये 0 to λ वाई डी एक्स. ओके, वाई डी एक्स, तो 0 to λ जैसे हमने कहा, तो 0 से λ और तो ये एरिया डिफाइंड हुआ, ये पर्टिकुलर जो अबव द एक्स एक्सिस है, सिर्फ ये एरिया डिफाइंड हुआ. लेकिन ऐसा ऐसा एरिया दो है, तो इसका मतलब इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है. तो ये पूरा ए लेमडा डिफाइंड हो गया. अब आप देखो, यहाँ से अगर हम वाई का वैल्यू निकाल लें तो रूट एक्स होगा, है ना. तो यहाँ से क्या होगा, 0 से λ एंड रूट एक्स डी एक्स, सो ये आ जाएगा 2 एंड इट इज़ एक्स टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 और टू द पावर 0 से λ. तो ये कितना आना चाहिए, ये ऊपर जाएगा देखो 4/3 एंड ये हो जाएगा एक्स यानी कि लेमडा टू द पावर 3/2. तो ये ए लेमडा यानी कि ए लेमडा का वैल्यू हमारे पास 4/3 लेमडा टू द पावर 3/2 है. तो सिमिलर वे में अगर लेमडा का वैल्यू 4 रख दिया जाए, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 और 4 to the power 3/2, है ना. तो ये दो चीज़ अपने को फाइंड आउट हो गया. अब फ्रॉम गिवन कंडीशन क्या था, ए लेमडा डिवाइडेड बाय ए 4 दिस इज इक्वल टू 2/5, ये प्रॉब्लम में दिया हुआ है, ठीक है. तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये देखो 4/3 लेमडा टू द पावर 3/2 एंड डिवाइडेड बाय 4/3 4 to the power 3/2 इतना इक्वल्स टू 2/5. तो ये दोनों कैंसल आउट. अब ये आप क्या कर सकते हो, लेमडा बाई 4 होल टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 2/5, है ना. तो इसे और क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते दोनों तरफ, ठीक है ना. तो क्या हो जाएगा, लेमडा बाई 4 और इस पे पावर 3 ओनली, सो ये हो जाएगा 4/25. तो लेमडा बाई 4 का अगर वैल्यू देखा जाए तो 4/25 हो 1/3, इस पर पावर 1/3 होगा क्योंकि क्यूबिक रूट निकाला है हम दोनों तरफ. इसलिए ये कह सकते हैं कि जो लेमडा का वैल्यू है यहाँ से वो कितना हो जाएगा, 4 एंड 4/25 होल टू द पावर 1/3, ठीक है. यहाँ से 4 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो ये दिस इज द आंसर.
This is the value of lambda. Okay, this is the answer. Okay, thank you.